तो लेबनान की धरती के साथ साथ हिजबुल्ला इसी तरह 80 घंटे से लगातार दहल रहा है। 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने लेबनान में अपने ऑपरेशन को बहुत तेज कर दिया है। 24 घंटे से हिजबुल्ला पर जिस तरह से भीषण बमबारी हो रही है वो अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक बमबारी है। IDF 24 घंटे के अंदर लेबनान में 50,000 किलो बारूद बरसा चुकी है। इसके बाद हिजबुल्ला के कमांड सेंटर, ठिकाने, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार गोदाम पूरी तरह से जल रहे हैं। जिस बात की आशंका थी वह UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा ही हो रहा है। लेबनान में इजरायली सेना के हमले का तीसरा चरण लॉन्च हो गया है। पेजर विस्फोट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाके के बाद इजरायली सेना लेबनान की धरती को 24 घंटे से लगातार दहला रही है। बीती रात से IDF हिजबुल्ला के ठिकानों पर दो फ्रंट से विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायली एयरफोर्स के फाइटर प्लेन आसमान से कयामत की बरसात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल की आर्टिलरी ने उत्तरी बॉर्डर से धावा बोला। चौबीस घंटे के अंदर लेबनान में इसराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान। IDF ने दो फ्रंट से एक साथ हमला किया और इसी के साथ हिजबुल्ला के ठिकाने भस्म हो गए। इसराइल ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर 70 एयर स्ट्राइक की। इस दौरान 50,000 किलो बारूद की बरसात की गई। हमले में हिजबुल्ला के 100 रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए। लॉन्च साइट पर मौजूद हिजबुल्ला के 1,000 रॉकेट भी बर्बाद हो गए। IDF के मुताबिक उसके हमले में हिजबुल्ला के 30 ठिकाने खत्म हो गए। हिजबुल्ला पर यह वज्रपात उस वक्त हुआ जब इजरायल के पेजर हमले के बाद हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला अपने लड़ाकों को संबोधित कर रहा था। नसरल्ला के संबोधन के दौरान ही इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में बमबारी शुरू कर दी। हिजबुल्ला के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म किया जाने लगा। इजरायल के लड़ाकू विमान बेरूत भी पहुंचे। लेबनान की राजधानी में सोनिक बूम और फ्लेयर फायर किए गए। हिजबुल्ला ने अपनी रॉकेट लॉन्च साइट पर 1,000 से ज्यादा रॉकेट पहुंचा दिए थे। नसरल्ला की स्पीच के बाद हिजबुल्ला इजरायल में अभी तक का सबसे बड़ा विध्वंस करने वाला था। 1,000 रॉकेट फायर कर इजरायल के शहरों को जलाने का मंसूबा था, लेकिन हिजबुल्ला ऐसा नहीं कर सका। सैटेलाइट से इजरायली इंटेलिजेंस को हिजबुल्ला के खतरनाक प्लान का पता लग गया, लिहाजा उसने नसरल्ला के भाषण के दौरान ही लेबनान में भयानक हवाई हमले शुरू कर दिए। इसराइल के हमले में न सिर्फ हिजबुल्ला के 1,000 रॉकेट जल गए बल्कि 100 रॉकेट लॉन्च साइट्स का भी नामो निशान मिट गया। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ गाजा जैसा ही सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। लगातार 4 दिन से हो रहे अकल्पनीय हमले से हिजबुल्ला बुरी तरह बौखला गया है।
हिजबुल्ला अब इसराइल में 7 अक्टूबर जैसा बड़ा नरसंहार करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने इसराइल में अपने फिदायीन हमलावरों की घुसपैठ करवानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला इसराइली शहरों में आत्मघाती हमले करवाने के फिराक में है। रास्ते इसराइल में हिजबुल्ला ने बड़ी घुसपैठ कर दी है। हिजबुल्ला के फिदायीन हमलावर समुद्र के रास्ते नितन्या बीच पहुंचे। रिपोर्ट की माने तो करीब 50 फिदायीन हमलावर तेल अवीव में घुस चुके हैं। इसराइल के नितन्या बीच पर वो नाव मिली है जिसके जरिए फिदायीन इसराइल में घुसे। ये फिदायीन हमलावर इसराइल की राजधानी तेल अवीव में अलग अलग जगहों पर छिप गए हैं। इसके बाद तेल अवीव में सुसाइड बॉम्बिंग का खतरा मंडराने लगा है। तेल अवीव में बड़े आतंकी हमले की आशंका बढ़ गई है। आशंका तो ये भी है कि हिजबुल्ला के फिदायीन कार ब्लास्ट के जरिए हमला कर सकते हैं। खतरा बढ़ने के बाद तेल अवीव में फिदायीन हमलावरों की तलाश तेज हो गई। हिजबुल्ला एक तरफ 7 अक्टूबर जैसा हमले करने की कोशिश में जुटा है तो दूसरी तरफ रॉकेट से पलटवार कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल के हमले से वो कमजोर नहीं हुआ है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। इसराइल के ऑल राउंड अटैक से भड़के हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में रॉकेट से कई राउंड हमले किए। हिजबुल्ला ने इसराइली सेना के 17 ठिकानों पर रॉकेट की बरसात की। आधी रात हिजबुल्ला के हमले में आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए। रात खत्म हुई तो हिजबुल्ला के हमले फिर शुरू हो गए। हिजबुल्ला ने दिन के उजाले में 150 से ज्यादा रॉकेट फायर की। हिजबुल्ला ने 150 रॉकेट फायर किए तो इजरायली आयरन डोम का एक्शन शुरू हो गया। इसराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट विस्फोट करने में सफल रहे जिससे कई शहरों में आग लग गई। हिजबुल्ला के हमलों की वजह से पूरे उत्तरी इसराइल पर विनाश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साफेद, गोलन, गैलिली, मेरोन, तिबरिस, मेतुला, किरियत शिमोना, कटजरीन, येसुद हमाला, रोशपेना, उत्तरी इसराइल के ये वो शहर हैं जहां हिजबुल्ला रह रहकर रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों की वजह से यहां नरसंहार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईडीएफ और होम कमांड ने इन इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों से जान माल का नुकसान कम हो सके, इसके लिए लोगों को हिदायत दे दी गई। लोगों से कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकलें, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, कम्युनिटी के गेट को अपने नियंत्रण में रखें, बंकर के आसपास ही रहें। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच शुरू हुए युद्ध का आकार और प्रकार बड़ा और विध्वंसक होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।